नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़शाला। गरीबों के मसीहा, गरीबों के दुख को बांटने वाला हीरो सोनू सूद पर मानो किसी की बुरी नजर लग गई हो। जिस वक्त गरीबों को और मजदूरों को सरकार की जरूरत थी, उस वक्त सरकार तो नहीं, अकेले सोनू सूद ने इन मजदूर बेबस लोगों के भार को संभालने का जिम्मा उठाया और उनको उनके घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया, जिसके बाद मानो ये बात सरकार को हजम नहीं हुई। सरकार ने सोनू सूद के हर अपार्टमेंट पर इनकम टैक्स का छापा लगवा दिया, जिसके बाद से तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, इनकम टैक्स की तरफ से सोनू सूद के सभी बैंक डिटेल से लेकर उनकी कंपनी को भी खंगालने में लगी हुई है। इस होड़ में ही सोनू सूद पर आयकर विभाग ने 20 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का दावा ठोक डाला है। चलिए बताते हैं आपको कि क्या कुछ कहा गया है टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि CBDT का कहना है कि अभिनेता और उनके सहयोगी के कैंपस की तलाशी के दौरान टैक्स चोरी से संबंधित चीजें मिली हैं। CBDT ने कहा कि अभिनेता ने फर्जी संस्थाओं से फर्जी और असुरक्षित ऋण के रूप में बेहिसाब पैसे जमा किए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोनू सूद ने FCR कानून का उल्लंघन करते हुए विदेशी दानदाताओं से एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके करीब 2.1 करोड़ रुपए तक जुटाए हुए थे। छापेमारी अभी तक जारी है। देखते हैं कि सोनू सूद पर और कैसे कैसे एलिगेशन लगाए जाते हैं और उनको इस जांच से कितना नुकसान होता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है सोनू सूद के उस बहादुरी पर जो उन्होंने लॉकडाउन के समय में कर डाला, और इस बहादुरी के ऊपर जो अब उनकी सच्चाई सामने आ रही है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत। नमस्कार।